चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं ट्रिपल लाइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, क्रिएट करते हैं कैमरा। एक कैमरा ले लो, ठीक है। लुक तो सिलेक्टेड, आते हैं मेन कैमरा में। क्या करना है, कितना दिखाना है, लाइक पहले हमें करेक्टर दिखाना है, तो करेक्टर हिसाब हमें यहाँ पर सेट कर दिया पे, ठीक है। इस फिल चार्ट को ऑन करना मत भूलना, इससे हमें सेंटराइज पता चल जाता है, ठीक है, कि हमें सेंटर में क्या ऑब्जेक्ट है। ओके, अभी ये हमने सेट कर दिया, मुझे पूरे करेक्टर को दिखाना, तो करेक्टर को दिखाने के लिए मैं कैसे क्या काम करने वाला हूँ कुछ यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। चलते हैं पर्सपेक्टिव में, क्रिएट करते हैं लाइट, सिंपल सा लाइट, स्पॉट लाइट, ठीक है। पैनल में गए, लुक टू सिलेक्टेड, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग उसकी आंखों से देख रहे हैं, ठीक है। लुक टू सिलेक्टेड लाइट के मैं शॉट आया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने ऐसा कुछ सेट किया, कंट्रोल ए, एट्रीब्यूट, ये लाइट होता है, ठीक है। नाम के यहाँ पे देते हैं ना की, KEY की, की, ओके। की में बस जो इंटेंसिटी है मान लो 1 है, ठीक है, उसे रखते हैं यहाँ पे। कलर हम लोग, अगर हम लोग कलर देने वाले हैं तो कलर देने के लिए हम लोग अगर कोई भी यूज़ करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज़ करते हैं। अगर मैंने सपोज यहाँ पे येलो कलर यूज़ किया तो मैं उधर ब्लू कलर यूज़ करने वाला, ठीक है। तो लाइक ये पार्ट अपोजिट में, ठीक है, हाँ। जैसे अभी हम अभी की लाइट है ना, की लाइट मेरे पास क्या है, लाइक मैंने अभी येलो पे गए, यहाँ पे सेचुरेशन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट मेरे पास हल्का था, यहाँ पे मैनेज करना होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन एंगल है, कौन एंगल जितना बड़ा करना है, पैनोरमा एंगल है ये, पैनोरमा एंगल क्या करता है यहाँ पे, पैनोरमा एंगल ये सॉफ्ट करता है, ध्यान से देखते हैं। 0 किया, हार्ड है, ठीक है, इसे मैंने यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया, यहाँ पे सॉफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉप ऑफ बीच का जो पार्ट है ना उसे सॉफ्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको आप लाइक 1 2 ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। अभी हम लोग नॉर्मल चलते हैं यहाँ पे स्पेस बार। मुझे जो यहाँ पे काम करना है वो करना है कैमरा 1, कैमरा 2 है मेरे पास यहाँ पे, कैमरा 2 पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रेंडर करूँगा, रेंडर सेटिंग में ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑन ऑल नहीं करना, मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइटिंग में क्या सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे गए माय सॉफ्टवेयर के अंदर, माय सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, प्रोडक्शन क्वालिटी। प्रोडक्शन क्वालिटी क्या काम करने वाला है, जो भी इसके जो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मतलब कुछ बेटर कर देगा। और पिक्सल फिल्टर में जाके यहाँ पे परसेंट फिल्टर, ठीक है, ये सेट कर दिया। अभी रेंडर करके देखो यहाँ पे, तो मेरे पास आ गया देखो फ्लैट। अभी ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारे मटेरियल है वो सब किसका है, आर्नोल्ड का, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मटेरियल अपना सब चेंज कर देता है यहाँ पे, सिंपल अबाउट अपने पास जो मटेरियल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। अभी यहाँ पर मैं जब आर्नोल्ड वाले पे जाता हूँ यहाँ पे, तो मुझे आर्नोल्ड पे जाने पर क्या है, जिस हमने यहाँ पे काम किया, तो यहाँ पे मेरा मॉडल है, मॉडल में जब 3 प्रेस करते हैं तो 3 प्रेस करने पर आर्नोल्ड सपोर्ट करता है, ठीक है, हमारे के अंदर सपोर्ट नहीं करता। तो व्हाट वी वांट, हमें यहाँ पे इसे स्मूथ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखा सारे मटेरियल हमारे पास पिछले मटेरियल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता, राइट क्लिक एंड असाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी चेक करो यहाँ पे रेंडर में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, अभी ऐसा आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्मूथ नहीं है, हमें स्मूथ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हमें कई जगह ये भी डील करना पड़ता है, हर जगह आर्नोल्ड नहीं चलता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सेलेक्ट करके यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। अगर मैं रेंडर करता हूँ तो मैं सेंटर में ये चीज़ें दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। एक ये पार्ट हमारे पास ऐसे दिखने वाला है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे क्लॉथ है, क्लॉथ में हमें क्या कलर देना है, ठीक है। अभी जो भी हमें कलर कॉम्बिनेशन है वो भी हम लोग यहाँ पे देते हैं, सिंपल बात, राइट क्लिक असाइन। क्लॉथ के अंदर साइनिंग नहीं होती है, ठीक है। ब्लिन हम लोग लगा रहे हैं, ब्लिन लगाने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल अबाउट इसकी जो साइनिंग है उसे हमें यहाँ पे क्या करना, कंट्रोल करना है। यहाँ पे मिलेगा आपको स्पेकुलर रोल ऑफ, ठीक है, जिसे मैंने कम कर दिया, ठीक है। जब भी कलर देना है, कलर कॉम्बिनेशन हम लोग दे लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ठीक है, पर्पल हम लोग यहाँ पे नहीं पिक नहीं करना चाहता, मैं ऐसे लेना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो टिंट और टोन साथ में है, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग लेके चलेंगे यहाँ पे। ब्लेन लिया मैंने यहाँ पे, नेमिंग जो करना, ठीक है, पैंट करके तो पैंट कर देना यहाँ पे, ठीक है, ट्राउजर है ट्राउजर कर देना, एक्स्ट्रा जो भी, प्योर रेड कभी नहीं लेंगे ये भी ध्यान रखना, ठीक है। रेड हल्का सा कम ज़्यादा कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, ये भी क्लॉथ है, क्लॉथ में हमें क्या करना है, स्पैकुलर में, स्पैकुलर को हमने कम कर दिया, ठीक है। ठीक है, अभी सेट कर रहे हैं यहाँ पे,
कैमरा पहुंच गया हम लोग यहाँ पे, कैमरा नंबर टू यहाँ पर वेरिएंटर देखते हैं, ठीक है। ये सब हमारे पास कैसे दिख रहा है, लाइक ऐसा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया, दूसरे भी पॉइंट सेलेक्ट किया, स्विफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो वो मेरे को स्मूथ दिखेगा, इसलिए आपको दोनों मेथड में आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है। दूसरी चीज़ कभी बैकग्राउंड ब्लैक नहीं रखना, ठीक है। यहाँ पे कैमरे पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे दोनों एनवायरमेंट मिलेगा आपको, यहाँ पे एनवायरमेंट लगे हल्का सा, बहुत ही डार्क होगा ना तो इम्पैक्ट निगेटिव हो जाता है यहाँ पे, तब ये क्या चाहिए थोड़ा सा बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे एक लाइट लगाया, ठीक है। एक लाइट के बारे में क्या काम है और दो लाइट के बारे में क्या काम है तो बताता हूँ, ठीक है। बेसिक हमने भी कर रखा है, चलो चेक करते हैं यहाँ पे। अभी तक सिर्फ एक ही लाइट है, एक ही लाइट है, ठीक है। दो ही लाइट हमने यहाँ पे लगाया, अभी एक लाइट हो गया, बस की लाइट हो गया, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, अगर डुप्लीकेट हो गया तो वैलेंट बोले, देखो यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। फाइनल लुक तो सिलेक्टेड, अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस चीज़ को मैनेज करना है। जो भी की लाइट होता है, की का अपोजिट होता है लाइट, इसका अपोजिट है फिल लाइट आएगा। फिल लाइट की इंटेंसिटी इसकी होती है, इसकी आधी होती है, एक है तो 0.5 होना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बेसिक रूल यही है, कम ज़्यादा कर सकते हो। और उसमें अगर येलो कलर है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका ब्लूइश पर्पल में आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर कलर देखते हो तो, कलर नहीं देते तो वाइट ही रख सकते हो। हम लोग कंपोजिटिव में काम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमने काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा पार्ट, पैनल में गए, कैमरा टू, हम लोग यहाँ से सिंपल रेंडर भी करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या ब्लू पे ब्लू का इम्पैक्ट होगा, अभी यहाँ पे क्या बेसिक से हमने यहाँ पे दिया, अभी ये काम करता नहीं करता, ये भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, परस्पेक्टिव में यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास लाइट है तो बहुत ही कम विजुअल है, तो मैं आर्क और स्केल, ये मैं स्केल करके देख कर लेता ताकि दिखे, ठीक है। स्केल करने से इनसे कोई मतलब कि इंटेंसिटी पे कोई वर्क नहीं करता, क्या मैंने चेक किया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैंने इसे ऑफ कर दिया कि, तो मेरे पास रेंडर में कुछ आ रहा नहीं आ रहा, चेक करें यहाँ पे, डर आ रहा है, इट मीन्स वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने क्या किया ऑफ कर दिया। मैं एक और लाइट लेता हूँ, ठीक है। मैं सेटिंग में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। मैंने सेट ऑन इसमें ऑन नहीं किया, सेट ऑन करना जरूरी है, क्योंकि डेप्थ मैप सेट ऑन की के अंदर आपका सेट ऑन होगा, ठीक है। जब की के अंदर सेट ऑन करेंगे तो यहाँ पे कितना करेंगे, 1024 फिल्टर साइज 4, ठीक है, 4 कर दिया मैंने यहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ पे वही करेंगे, यूज डेप्थ मैप सेट ऑन फिल्टर साइज 4। अभी जो भी हम लोग काम करने वाले उन काम को हम मैनेज करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 प्रेस कर दिया, ठीक है। 7 प्रेस करते हैं यहाँ पर, अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे तो देखो लाइक इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसा लाइक इम्पैक्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखो। तो इनमें की ये हुआ फिल का नाम देते हैं फिल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसे मैंने ऑन किया तो ये मुझे देखेगा यहाँ पे, यहाँ देखो। तो मुझे लाइट के एंगल को अच्छा लेना है, लाइट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, फाइनल लुक तो सिलेक्टेड, ये थोड़ा सा इधर टिल्ट करना ताकि थोड़ा सा उधर का भी इम्पैक्ट आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ इम्पैक्ट आए, ओके। उधर थोड़ा सा डार्क रखना है ताकि फिल लाइट का इम्पैक्ट दिखे वहाँ पर, नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी करके हम लोग काम कर सकते हैं, ऐसे करके हमें ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा उधर उधर टिल्ट रखना है, ठीक है। तो ये मैं वहाँ पर फिल लाइट का भी इंपॉर्टेंस नजर आएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने इसकी कॉपी ले ली, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, पैनल पे गए, लुक तो सिलेक्टेड, इसको मुझे क्या करना है, रिम, ठीक है। रिम नाम देते हो यहाँ पे, रिम, RIM, रिम, रिम की जो इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो मैं इसको करने वाला हूँ डबल, ठीक है। कलर मैं पे चेंज कर, अब मुझे पॉजिटिव में दिखाना तो मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूँ लाइक, ठीक है। निगेटिव में दिखाना तो रेड लाइट पे कर देते हैं, जो करेक्टर के ऊपर जो भी चीज़ होती है ना उसके ऊपर लाइट का इम्पैक्ट दिया जाता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू दिखा रखा ताकि मेरे पास इम्पैक्ट होता है बेटर दिखे। अगर देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये पीछे से पूरा लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ चेक करो, ऑफ किया, ऑफ किया, और जो पूरा करेक्टर पीछे से बैकग्राउंड से सेपरेट दिखने लगा यहाँ पे, ये पार्ट होता है वापस यहाँ पे कि करेक्टर को कैसे मैनेज करते हैं। तो मेन चीज़ क्या होता है, करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 पॉइंट का यूज़ किया जाता है, ये बेसिक फंडा है, ठीक है। इनमें से इसमें से हम लोग थोड़ा सा और बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 के 4 लाइट भी लगाते हैं। जैसे मैंने एक एंगल में देखो यहाँ पे दिया, मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे करेक्टर के पाँव पर कुछ नहीं रहा, चेक करो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, तो बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चीज़ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कर दिया रिम, समझो मेरे पास करेक्टर जो बैकग्राउंड से सेपरेट हो रहा है, बैकग्राउंड से मैच तो नहीं कर रहा ना, ये अलग हो जा रहा है, तो ये रिम लाइट है। अभी देखो ये यहाँ तक आया ना, इधर तो नहीं आया ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ काम यहाँ पे करते हैं, मतलब टेक्निक में जब आते हैं ना हम लोग यहाँ पे कि भाई हमें थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करना है, अपने करेक्टर को थोड़ा सा सेपरेट करना है, तो यहाँ तक तो ठीक है, ओके, यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक आईपीएल रेंडर होता है, लेकिन वो
मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कई बार वाइपर से ना आजकल क्रैश हो जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कैमरा टू पे गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, पैनल लुक तो सिलेक्टेड, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे मैं कोशिश करूँ, नहीं आएगा सेंटर पर रखने पर। चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग रहते हैं यहाँ पे। देखो अभी यहाँ सेंटर पर रखने पर दिख रहा है क्या, जो दिख रहा है तो वो भी चला गया। क्या इंटेंसिटी ये नहीं हो जाएगा, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल सा पार्ट हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ मैनेज करेंगे, ठीक है। ये मैंने मैनेज किया। अभी क्या बहुत सी चीज़ें उसमें होती हैं कि मैं अगर किसी चीज़ को दिखाऊँ तो कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, पैनल लुक तो सिलेक्टेड। अब मैंने यहाँ पे क्या इसको मैं इस साइड में कर देता हूँ, ठीक है। लिंकिंग भी होता है, अभी मैं आपको लिंकिंग भी बताने वाला हूँ। लिंकिंग का क्या पार्ट होता है, किस टाइप से चीज़ को मैनेज किया जाता है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट। अपने हिसाब से गए करेक्टर पे कैमरा टू, ठीक है। अभी यहाँ चेक करो यहाँ पे, अभी ये आपका करेक्टर करीब आ रहा कि नहीं आ रहा, ये आपका करीब आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। एंगल को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करो टी। अभी ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, टी फोर टारगेट, ठीक है। अभी मैं किसी एक व्यू को मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ यहाँ पे। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, कस्टमाइज किया, एक का मैंने कर दिया कैमरा, ठीक है, कैमरा टू, ठीक है। और फ्रंट शॉट को कर देता हूँ, दूसरे को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, परस्पेक्टिव बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे टी फोर टारगेट, ठीक है, सेवन। वाईफाई को कर दो ऑफ। अभी ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्लेस करके देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसे दिख रहा है। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखें लाइट कैम्प कैसा है, यहाँ पे सेवन प्रेस करें, यहाँ पे लाइट कैम्प कैसे है, ये मैं थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, किस टाइप से दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करके देखेंगे यहाँ पे। लाइक इस एंगल में मैं जाके जा रहा हूँ तो मुझे कैसा दिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे यूज़ करने के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ शेप आ गया, यहाँ पे शेप आ गया, तो ये अपने क्या करेक्टर थोड़ा सा डिफाइन हो जाएगा, भाई ये मेरे पास इसके अकॉर्डिंग अलग है। हम लोग जब इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री में इससे भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा टेक्निक यूज़ किया जाता है। जस्ट बेसिक बता रहा हूँ, हमें अगर प्रॉपर एक स्पेकुलरिटी होता है तो हम लोग इसके ऊपर भी काम कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे क्या किया मैंने, यहाँ पे मुझे सिर्फ हेयर पे इफेक्ट चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हमने चेक किया, ना देखो इधर इम्पैक्ट आ रहा है, इधर इम्पैक्ट आ रहा है। अभी कई अपने लाइक रेंडम में देखोगे ना, इसके ऊपर प्रॉपर स्पेकुलर आ रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक लाइट ऊपर भी लगा लेते हैं, तो वो चीज़ डिपेंड करता है कि कैसे मैं काम करना है। तो जस्ट बेसिक से टिप्स एंड ट्रिक्स है आपके साथ, तो उसमें मैं दिखाना चाहता हूँ, भाई मेरे पास यहाँ पर काम हो जाए तो वेल एंड गुड है कि मैं किस टाइप से चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रॉस चेक करके देखना है कि मेरा इम्पैक्ट वो अलग से दिखे। ये लाइन यहाँ पर आने लगा, ठीक है, ओके। यहाँ पर हम लोग गए, इसको सेलेक्ट किया, पैनल लुक तो सेलेक्टेड। ये लाइन मुझे पास यहाँ पर आने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ में तो यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई कैसा क्या है। देखो अभी लाइन आने लगे यहाँ पे, तो ये मेरे पास अभी काम कर जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये कैरेक्टर अपना सेपरेट हो गया बैकग्राउंड से। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, चलते हैं परस्पेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे ऑन किया, इसे भी ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल चेक करते हैं यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे नॉर्मली कोई चीज़ काम कर रहा नहीं कर रहा। अभी यहाँ चेक करो, अब हम लोग काम करते हैं मटेरियल पे। अब मटेरियल पर हमने लिया तो है, अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंसी होता है स्किन के अंदर, क्या होता है ट्रांसलूसेंसी होता है। हम लोग जब माया में रेंडर करते हैं, माया में रेंडर करते हमें क्या ध्यान देना होता है कि हम लोग ना टाइम हमारा कम खर्च हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ पासिस भी आ जाते हैं। पासिस क्या होता है, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं सिंपल से ट्रांसलूसेंट पे मैं अलग से पासिस निकाल के काम कर लूँ तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने अभी करेक्टर का रेंडर किया, करेक्टर का लुक एंड फील देने के लिए हम लोग यहाँ पे चीज मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ मेरे पास कैसा है, किस टाइप का है। अभी करना क्या है वो देखते हैं, ठीक है। मैंने करेक्टर को निकाला यहाँ पे, अभी जिसमें बस मटेरियल है, मटेरियल पे गए, मटेरियल एट्रीब्यूट में यहाँ पे सेट किया, यहाँ पर होता है ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ट्रांसलूसेंट डेप्थ थोड़ा सा इंक्रीज करके चेक करते हैं, मेरे पास देखो लास्ट रेंडर ये है, इसे सेट किया और इसको सेट करता है। अभी यहाँ पे आप कंपेयर करोगे ना तो थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा, आया नहीं आया, मूव करो, ठीक है। देखो ट्रांसलूसेंट क्या लाइट कलर का पेनिट्रेट करेगा यहाँ पे। अभी मैं अगर कोई भी रेंडर निकालने जाता हूँ, सिंपल सा पार्ट मैंने करेक्टर निकाला है, कोई भी करेक्टर मैं निकालने जाता हूँ, तो उस करेक्टर को निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना था, टिप्स एंड ट्रिक्स को मैनेज करना पड़ता है। अभी यहाँ पे क्या है, कलर क्या है, ठीक है।
इनमें टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको ये बताने वाला हूँ कि लाइक कैसे आप चीज़ को मैनेज कर रहे, लाइक मैं चीज़ों किस तरह से मैं फुल एंड फॉल कर सकते हैं आपके मेरे पास हर चीज़ का, लाइक लाइटिंग के साथ तमाम चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, शेडिंग भी, कि मेरे पास अगर मैं स्किन का किया तो स्किन में क्या कलर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्किन के अंदर हम लोग कैसा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक सब कुछ हमें मैनेज करके देखना पड़ेगा भाई चीज़ें क्या है। दूसरी चीज़ क्या है, जब लोग रेंडर करते हैं तो आंखें कैसी दिखनी चाहिए, ऊपर की तरफ जानी चाहिए, सामने आनी चाहिए, आई का कॉन्टेक्ट होता है, वजह से यहाँ चेक करो, मेरे पास सिर्फ आंखों पे फोकस करना है, ध्यान से देखना है, मेरे पास आई का जो पार्ट दिख रहा है मुझे, आई पे अगर मुझे रेंडर निकालना तो आई मेरे पास कैसा दिखना चाहिए, अभी आई के पास देखो, अब आई के हर एक आई पे देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, एक स्पार्कल पॉइंट मिलता है, देख रहे हैं वो स्टार्कल पॉइंट दोनों का एक जगह होता है, ये इधर है ये इधर है, तो ये बैंग हो जाएगा दोनों तरफ से दूसरे जगह, तो यहाँ पे क्या करना है, इनका स्पार्कल ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। तब ये कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले जो लाइट है अपने पास यहाँ पे की एंड फिल, इसका स्पार्कल ऑफ कर दो या इसे लिंक ब्रेक कर दो, डिस्प्ले शो एंड ऑल, ठीक है। अभी देखो ये पार्ट है ना, मेरे पास यहाँ पे चेक कर पाए क्लोज होते हैं, जब आप करेक्टर का रेंडर निकालोगे देखो साइनिंग दिख रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये दो दो जगह साइनिंग जा रहा है, वो दो दो साइनिंग नहीं होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन दोनों मॉडल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, एक और दो, दोनों को सिलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेफ्ट एंड सेफ्ट, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, रेंडरिंग में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लाइटिंग के नोट्स होते हैं, लाइटिंग मतलब क्या है, लाइट हम लोग को लाइट का कंट्रोल होता है, स्विच होता है ना, स्विच ऑन ऑफ किया, लाइट ऑन किया तो लाइन ऑन हो जाता है, हम लोग स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, सबके लाइट को ना लिंक करते हैं, देखो लाइट लिंकिंग का पार्ट देखें यहाँ पे, मेक लाइट लिंक, ब्रेक लाइट लिंक, समझ में आ रहा है, नाम से पता चला, लाइट को ब्रेक करना तो ब्रेक कर देंगे, लिंक करना तो लिंक कर देंगे, मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल होगा, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना कि कैसे मतलब कर रहे हैं। अभी यहाँ चेक करो मेरे पास यहाँ पे इसके आंखों के ऊपर शाइनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी कुछ कम हुआ, इधर उधर की लाइट को मैं पकड़ता हूँ, जितनी भी लाइटें हैं इनको 1, 2, 3 एंड 4 सबको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, और मैंने सिर्फ प्रेस करके यहाँ पे ठीक है, ब्रेक लाइट लिंक, ठीक है। जिससे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो इसका नाम भी होता है, क्या किया मैंने यहाँ पे देखो, तो इसका नाम हमें रखना पड़ता है, नाम नेम ही नहीं है ना, इसका नाम क्या होना चाहिए, आउटर आई बोल, अभी आपको नेमिंग रखने के लिए क्यों कहा जाता है, जैसे आपने नेमिंग रखा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका लेफ्ट में, तो ये आपका राइट में होगा, ठीक है, राइट आर प्रेस करके जब आप लिंकिंग करोगे ना तो ये सारा काम आने वाला है, तो इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट ई वी वाई आई बॉल, ठीक है। अब ये काम क्या आएगा, लेफ्ट और राइट, जैसे मैंने लिंक ब्रेक कर दिया, अभी मुझे चेक करना है यहाँ पे कि भाई हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होता है लाइट सेंट्रिक, ठीक है। अभी यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे इतने सारे मॉडल हैं, अब दोनों का कैसे है, जब यहाँ पे लाइट नहीं दिखा, ये लाइट का नाम हमें यहाँ पे आउटलाइनर से भी करना पड़ता है, यहाँ चेक करो सब करना है, सारे ऑब्जेक्ट को हटाओ, लाइट पर फोकस करो, लाइट कर दिया, ठीक है। लाइट कौन सा चेक करो, यहाँ पे सेलेक्ट हुआ ये, मैं बस लाइट यहाँ पे, ये लाइट में बस यहाँ पे हमने नेमिंग किया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नेमिंग नहीं आता था, मैं यहाँ पे कहता था के वाई की कर दिया मैंने, ठीक है, फिल, ठीक है, रिम लेफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, रिम राइट कर दिया मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पर मुझे समझने में आसानी होगी, दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखो सबको यहाँ पे पता चला किससे किससे लिंक है, यहाँ चेक करो सब दिख रहा है यहाँ पे। अभी जब हम लोग काम करेंगे अपने मॉडल, जब मॉडल हमारा कंप्लीट होता है तो जितनी भी हिस्ट्री होती है सब डिलीट कर देते, देखो दिख रहा है यहाँ पे, पेस्टेड ग्रुप ये वो, नहीं यहाँ पर सिंपल नीट एंड क्लीन नाम होना चाहिए, तो नीट एंड क्लीन नाम होगा तो हमें यहाँ पे समझने में बाकी चीज़ में आसानी होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी ढूंढें कि भाई मुझे यहाँ पे लाइक कंपैक्ट नहीं चाहिए, अभी इसका इस वाले मॉडल का नाम क्या है, यहाँ पे मैंने सेट किया, यहाँ पे कंट्रोल सी कर दिया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब इससे मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ, फील का इम्पैक्ट नहीं है, की का इम्पैक्ट नहीं है, अब देखो दिखना यहाँ पे,
ये हुआ क्या, समझना है कि नहीं आया, चेक करो पूरे मॉडल है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिल्ड को सिलेक्ट करते तो जो सिलेक्टेड है इस पर लाइक इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। जिसको मैंने डिसलेक्ट कर दिया उसको लाइक इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो ये हम यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे देखें भाई कौन सा पार्ट कहाँ पे, ये आपको यहाँ पे दिखेगा क्योंकि किसमें कितना इम्पैक्ट देना है क्या नहीं देना, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये लाइट लिंकिंग का फंड है, बेसिक लाइट लिंकिंग कैसे आप काम करने वाले हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, अभी चाहिए मेरे पास ऐसा कोई दिख रहा है, यहाँ का लाइट इम्पैक्ट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारे पास एक कैमरा है ना, कैमरा वन को पकड़ते हैं यहाँ पे, कैमरा वन को मैंने क्लोजअप में लिया, सेट किया यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ठीक है, मैं ऐसा करके कुछ यहाँ पे सेट करता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, नॉर्मली एक बार डील करता हूँ भाई मेरे पास कैसे इम्पैक्ट है और क्या है। जैसे आपको क्लोजअप का निकालना है क्लोजअप में आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस में निकालना है डिस्टेंस में निकाल सकते हो। अभी क्या करना है, ये चीज़ हमारे थोड़ा सा अलग से लिंकअप दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ कैमरे के अंदर में ब्लैक यूज़ नहीं करना, कंट्रोल ए पे गए यहाँ पर ऐसा मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी अपने पास क्या है, अपने पास लाइक कैम्पैक्ट दिख रहा है भाई, लाइक कैम्पैक्ट यहाँ पे भी है, लाइक कैम्पैक्ट यहाँ पे भी है, तो अपने पास यहाँ पे मैटर करेगा यहाँ पे, ठीक है। हमने ऐसा कुछ किया, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, लाइट का मैं इम्पैक्ट जो देने वाला हूँ वो मैं देना चाहता हूँ इनके आंखों के पास में, ठीक है। अभी मैं आपको ना इसकी एक तो दो क्लास अभी और अरेंज करने वाला हूँ, वो क्लास में आपको बताऊँगा भाई कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, पासिस भी होगा और चीज़ें भी होंगी। पॉइंट लाइट लिया मैंने यहाँ पे, डब्लू प्रेस किया, आ गया पॉइंट लाइट। तो पॉइंट लाइट हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं ये सिर्फ हम लोग आई के जो स्पेक्ल उसके लिए यूज़ करने वाले हैं। फोकस करते हैं, मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन होता है इसका मतलब है इलिमिनेट बाई डिफॉल्ट, ये स्विच है ऑन ऑफ है, ऑफ कर दिया चला गया है ना। अभी मैं यहाँ पे अगर इसका आई का पार्ट मुझे अगर मैच करना है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फोकस यहाँ पे मैं लाइट को मैं मैनेज करने वाला हूँ इधर की तरफ, ठीक है। अभी ये जो पार्ट आएगा इसको मुझे इसके साथ डील करना है, तो कैसे डील करेंगे, यहाँ पे क्या है इमिट स्पेक्लर, मुझे सिर्फ स्पेक्लर चाहिए, इमिट डिफ्यूज नहीं चाहिए। डिफ्यूज का मतलब होता है सारा कलर देगा, स्पेक्लर मतलब शाइनिंग देगा, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे चेक करो आप यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्लर पे ही काम दिखेगा यहाँ पे, इस लाइट के अंदर सिर्फ स्पेक्लर पे आने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अभी ये चीज़ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इनको मैं लिंक करने वाला हूँ, ठीक है। अब इसका नाम भी मुझे रखना पड़ेगा, जैसे इस लाइट का नाम है ना यहाँ पे, इस लाइट का नाम भी हम जैसे लेफ्ट है तो हमने यहाँ पे भी क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है, ये कर दिया हमने यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी डुप्लीकेट यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, अभी इनका लिंक चाहिए मुझे। अभी जैसे लाइट का लिंक है ना, अभी ये तो लाइट है, लाइट का लिंक तो सब में है, ठीक है। लाइट हमारा जब ऑन करते हैं तो सब में लिंक आता है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका लाइट का लिंक का ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेंगे यहाँ पे, इसको इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, अगर मैं आपको देखा यहाँ पे, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो लेफ्ट है ना, यहाँ पे सब पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इसे ऑफ कर देता हूँ चला गया, ध्यान से देखना बहुत सिंपल है, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। मैंने सेलेक्ट किया दिस वन, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया, ये भी चला जाएगा, ठीक है। अभी इन दोनों का इम्पैक्ट किसी पे नहीं है, अभी मुझे इसका इम्पैक्ट चाहिए, इस वाला लाइट का इम्पैक्ट मुझे सिर्फ इस पे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइटिंग में गया, मेट लाइट में, ठीक है, यहाँ पे गया, इसको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, इसको सेट कर दिया यहाँ पे मेक लाइट लिंक, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चीज़ें मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पर हम लोग चेक करें तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो हम लोग यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं यहाँ पे, जो स्पेक्लर पॉइंट हमने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर दिया, तो यहाँ पे स्पेक्लर पॉइंट दिख रहे हैं दोनों पे। अभी इसको हम मैनेज कर देंगे, ये भी क्या होता है, ये भी लाइक प्रॉपर डिफाइन होता है कि कहाँ रहना चाहिए। ये आप अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया, हल्का सा फ्रंट में जाओ यहाँ पे, ठीक है, हल्का सा ये थोड़ा सा टिल्टेड ऊपर की तरफ रहना चाहिए, चेक करो यहाँ पे। देखिए एक एक चीज़ पर काम करना पड़ता है, जैसे किसी भी चीज़ को हमें फोकस करना है तो वो मैनेज कैसे लगेगा यहाँ पे, कैसे दिखना चाहिए, किस तरह से चीज़ को लुक एंड फील देना चाहिए। ये देखो आईब्रो का भी हमें यहाँ पे स्मूथ लगाना पड़ेगा क्या, इसलिए हम लोग यहाँ पे सबको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, किस में स्मूथ है किस में नहीं है,
देखो यहाँ पे जो चीज़ आएंगे वो थोड़ा सा बेटर दिखेगा, यहाँ पर मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ों को मैंने दिखाना है वो थोड़ा सा ये पार्ट हल्का सा मैंने ऊपर किया, अरे सॉरी लाइक दिस वन, सोच सकते हो कि हम लोग छोटे छोटे पार्ट को मैनेज करते हैं यहाँ पर। अगर हम चीज़ों को मैनेज करेंगे तो कैसे मैनेज करेंगे, किस टाइप से मैनेज करेंगे, ये लाइक किधर से कितना दिखना चाहिए वो एक बार क्वेश्चन करेंगे। मैं देना पड़ेगा भाई कि ऐसे में सर जो करेक्टर दिख रहा है उसका आई कॉन्टैक्ट कैसा है, साइनिंग कैसा है, छोटी छोटी चीज़ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई मेरे से कोई चीज़ दिख रहा है मैं कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। ऊपर से क्या है, हम लोग ने ये टेक्सचर नहीं किया है, हम उसके सिंपल कलर वर्जन है। कलर वर्जन पर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइक लुक एंड फील देने के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं। कैमरा टू ये है, कैमरा वन मेरे पास ये है, तो एक बेसिक सा पार्ट भी क्या मुझे यहाँ पे क्या थोड़ा सा काम यहाँ पे आता है, थोड़ा सा काम मैं इसमें एडजस्टमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पर सिंपल सा पार्ट दिया, यहाँ पे बस लुक एंड फील यहाँ पे आ रहा है। अभी हमने यहाँ पे देखो सिंपल शेडर है, जैसे हम लोग लिप्स का कलर कहीं रेड है कुछ है, तो हम लोग चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर हमने चीज़ों को मैनेज किया तो बेसिक लुक एंड फील हमने देना स्टार्ट कर दिया है। पीछे स्लाइड कैम पर क्या है, यहाँ स्लाइड कैम पर क्या है, तो बेसिक लुक एंड फील आ रहा है। अभी क्या करना है, इसको हम लोग लेके चलते हैं फाइल सेव एज इमेज, ठीक है। डेस्कटॉप पे गए, मैंने यहाँ पे रेंडर किया, ठीक है, बेसिक ऑडियो रेंडर, ठीक है, अभी इन चीज़ को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कभी भी मैं रेंडर अभी फिलहाल में मैं मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल मैं पीएनजी पे लेके चलता हूँ, पीएनजी ले लिया, पीएनजी या टीफे टारगा ले लेंगे, ठीक है, जिसमें मुझे कोई काम करना तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं अपने एक एक लाइट को ना वन बाय वन करके मैं यहाँ पे रेंडर निकालने वाला हूँ ताकि मैं कंपोजिट कर सकूँ। कंपोजिट मुझे अगर करना है लाइक सपोज अभी मैं आपको पासिस नहीं बता रहा, मैं बिना पासिस के आपको डील कर रहा हूँ यहाँ पे। फिल है, फिल को मैंने कर दिया ऑफ, रिम को मैंने कर दिया ऑफ, ठीक है, इसको मैंने कर दिया ऑफ, एक एक करके चलते ना, ये ऑफ है इनको जोड़ दे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल बट की हमने यहाँ पे आते हैं, की पे हम लोग ऑन रखते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमने सेट किया, ये ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे सिंपल रेंडर किया, मेरे पास अभी रेंडर जो आएगा वो किसका आएगा, सिंपल सिंपल की का आएगा, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, फाइल सेव है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, के वाई की, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे टीजे का पार्ट आता है आपका, टीजे भी ले सकते हो, क्वालिटी अगर आपको काम करना है। की पे हमने काम कर लिया, ठीक है, अभी की पे हमने काम किया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिल पे आते हैं, फिल कुछ यहाँ पे की हम लोग गए, की का ये रहा की यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे थोड़ा की को ऑफ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, वह चेक करते हैं फिल का इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर यहाँ पे कैमरा बोन है बोलते यहाँ पे, अभी ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, एरर को हमें देखना पड़ेगा एरर में आ क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे, ठीक है, मॉडल नॉन रेंज सुपर सीरीज वर्बल ऑटो स्क्रिप्ट आ रहा है, मैं ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है लेकिन फिल का हम लोग देखते हैं। फिल में ऑप्शन क्या है, फिल में हमने यहाँ पे चेक किया, इसे सेव भी करके रखा है पे, ठीक है, कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। मैंने अभी क्या किया था, फिल एफ आई डबल आर सेव कर दिया मैंने। बाकी मैं पे क्या करता हूँ, रिम का काम करता हूँ, फिर इन दोनों को मैं अभी क्या करता हूँ, लाइक फॉर टाइमिंग ऑफ, ठीक है, ऑफ कर दें यहाँ पे, रिम ऑन करते हैं यहाँ पे, ये भी और रिम ये भी ऑन करते हैं। अब ये जस्ट बेसिक में हुआ, देखते हैं बेसिक में मेरे पास क्या क्या आता है। ये जो चीज़ें मैं अगर मैं निकालो ना, अब देखो यहाँ पे चीज़ें आ तो रही है लेकिन की और फिल में पर ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे पास सिंपल रिम चाहिए था तो रिम ही होना चाहिए, ठीक है। मैं अभी एग्जाम्पल मैंने कहा फॉर टाइम बिंग दोनों को डिलीट करके निकालते हैं। टिप्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर मान लो कभी आपको कोई चीज़ वर्क नहीं करता, मैं एक एक करके भी निकाल रहा हूँ और बाद में आपको पूरा भी बताऊँगा। मैंने कहा अभी पहले समझा दूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, अभी मैंने देखो मेरे पास कुछ एरर आ गया, ठीक है, आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम, मतलब मैं अभी इसमें मैं बैठ के क्रॉस चेक नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, सिंपल मैंने क्या किया, दोनों लाइट को डिलीट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल जेड कर दिया यहाँ पे, ये मैं फील आ गया, ठीक है। मैं सिंपल आपको फंडा बता रहा हूँ, मेरे पास देखो ये अभी ऑफ हो रहा है, ठीक है, ये ऑफ हो रहा है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना, अभी करना है माइक को रीसेट, माइक को रीसेट करें तो जाके मेरे पास काम आएगा। फिल को मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा फिल मैंने ऑफ किया, ठीक है, जो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा ना, तो कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, फिल को ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ चेक कर रहा हूँ, ठीक है। फिल को ऑफ करने के बाद यहाँ पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है,
सिंपल की का इम्पैक्ट आना चाहिए। देखो ये ठीक आ रहा है या डार्क आ रहा है, तो मेरे बस यहाँ पे ये चीज़ में ध्यान देना है कि बस की ये है, ठीक है। मैं हर एक को अलग अलग लेयर पे रेंडर निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे किया फिल पे गए, फिल को ऑन किया मैंने, की को जाके मैंने ऑफ किया, अभी ये ठीक आ रहा है, ठीक है। तो कभी कभी अगर काम नहीं करते तो मैं ऐसे भी एक सिंगल फ्रेम पे लोग ऐसे काम कर सकते हैं, ये हमारा क्या फिल, ठीक है। तो मैंने बहुत सिंपल सा एक बेसिक सा फंडा यहाँ पे यूज़ किया। चलते हैं फोटोशॉप में, हमारे पास अभी रेंडर लेयर के भी ऑप्शन है। रेंडर लेयर का ऑप्शन अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा क्योंकि अभी उसमें थोड़ा सा भी टाइम है, ठीक है। एक ही बार सब कुछ बताऊँ मतलब लाइक कन्फ्यूज हो, तो चाहते क्या कम टाइम में जल्दी चीज़ों को लाइक फुलफिल कर सकें यहाँ पे, तो इसलिए मैंने क्या किया बहुत सिंपल सा फंडा ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया रेंडर, बेसिक रेंडर के नाम से हमें कहते हैं बेसिक रेंडर, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया सबको उठा लिया, ठीक है। तो तीनों को मैं एक साथ उठाऊंगा तो ऐसा मेरे पास आएगा, मैं चाहता हूँ तीनों एक साथ मेरे पास आ जाए। तो फाइल में चले गए, इम्पोर्ट में आ गए, यहाँ पे कहाँ गया कहाँ गया, स्क्रिप्ट में आ गए, यहाँ पे लोड फाइल इंटू स्ट्रेक करके यहाँ पे एक साथ में तीनों फाइल लेके मैं कॉल कर लूँगा यहाँ पे। डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप में गए बेसिक रेंडर, मैंने यहाँ पे तीनों को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ओके। अभी एक एक सारे लेयर्स में आ जाएंगे अपने, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गए हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चीज़ को हम लोग मैनेज कर सकते हैं भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। आगे यहाँ पे की आ गया, अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे की आया है, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे फाइल को, मैं एज ए स्क्रीन कर सकता हूँ यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या किया इसको एज ए लाइक स्क्रीन को स्क्रीन करके कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर चीज़ आ गई मेरे पास यहाँ पे। अब मैं तो मैं प्ले कर सकता हूँ कि आपने फोटोशॉप के साथ हम लोग बहुत से काम कर सकते हैं, जो जो काम हम लोग वहाँ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। कंपोजिटिंग में थोड़ा सा चीज़ों को निकाल सकते हैं कि यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे कोई चीज़ अगर निकालना है, मैं यहाँ पे अगर सिंपल सा पार्ट करता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया लाइक सिंपल यू सिचुएशन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहूँ यहाँ पे, क्या मैं कलर का इम्पैक्ट देना चाहूँ, मैं यहाँ पर आराम से निकाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बस कितना इम्पैक्ट है, कैसे मुझे मैनेज करना है, मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। कौन से कलर का प्ले करना है, कौन सा कलर मेरे पास ज़्यादा बेटर लग रहा है यहाँ पे, मैं प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। दूसरा पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, देख मुझे यहाँ पे कुछ भी काम करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा मुझे बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो सारा काम हम लोग वहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे बेसिक निकालना है, बेसिक निकालना हम लोग चीज़ को मैनेज करेंगे यहाँ पे। मेरा शेप्स को कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने काम कर दिया, ठीक है। फिल पे अगर मुझे यहाँ पे कोई काम करना है, फिल के साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, लाइक कर्व लेके चलना है, तो कर्व का पार्ट अगर मैं दिखाना चाहूँ हल्का सा कर्व, देख रहे ये ओल्ड पे आ रहा है, ये क्लिपिंग मास्क कर दो सिर्फ उसी पे आएगा, देख रहे डार्क करना लाइट करना, मैं ऐसा कुछ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ का हम लोग करके प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। रिम पे गए, रिम के साथ हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, रिम के साथ मुझे कुछ कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया लाइक ह्यूमन सिचुएशन क्लिपिंग मास्क यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं रिम का कलर मैच कर सकता हूँ यहाँ पे, देख रहे रिम का जो इम्पैक्ट है सब कुछ कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग ऐसे करके कुछ मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा वेरिएशन भी आएगा, थोड़ा सा चाहिए मैनेज भी होंगे यहाँ पे, थोड़ा सा मैं चूँकि मैं फुल एंड फाइनल काम भी कर सकता हूँ यहाँ पे कि भाई कैसे क्या काम करना है। अभी इन सब चीज़ें हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ पे चौथा डील कर रहे हैं कि बेसिक में क्या डील कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे लाइक कोई भी अगर काम करना है, कलर है, कलर बैलेंस आपके यहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। कलर बैलेंस वाइज मैं चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैसे कितना मैनेज करना है वो चीज़ हम लोग थोड़ा सा लेके चलेंगे यहाँ पे, ओके। तो लाइक ये चीज़ मैं क्या थोड़ा सा कलर के साथ चीज़ के साथ प्ले करके मैनेज किया जा सकता है कि किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, कैसे मैं डील कर सकता हूँ। तो ये बेसिक से एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है।